आज मैं बचे हुए चावल से मेंदू वड़ा बनाने वाली हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए बहुत ही कम सामान की ज़रूरत होती है। जो घर में सामान अवेलेबल है उसी सामान से इस रेसिपी को बनाया जा सकता है। तो चलिए बनाते हैं मेंदू वड़ा। जय जोहर संगवारी हो, नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं लता जंगेल अपने किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चावल के मेंदू वड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक कटोरी चावल ले ली हूँ। इस बड़ा को बनाने के लिए आप बचे हुए चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रेश चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच दही ले ली हूँ। 2 चम्मच सूजी ले ली हूँ। आप मोटा या पतला कैसे भी सूजी ले सकते हैं। फ्राई करने के लिए तेल ले ली हूँ। 1 प्याज ले ली हूँ, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ले ली हूँ। 1 चम्मच के करीब कटा हुआ धनिया ले ली हूँ। 1/2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ले ली हूँ। कटा हुआ 1 हरी मिर्च ले ली हूँ। नमक ले लेंगे स्वाद के अनुसार और 1/2 चम्मच हल्दी ले ली हूँ। सबसे पहले एक मिक्सी का जार लेंगे। इस जार में पके हुए चावल को डाल देंगे। अब इसमें 2 चम्मच के करीब दही डाल देंगे। दही और चावल अच्छे से ग्राइंड हो जाए इसके लिए 1 चम्मच पानी डाल देंगे। अब इस जार में ढक्कन लगाकर ग्राइंड कर लेते हैं। चावल और दही बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो गया है, ऐसे ही हमें ग्राइंड कर लेना है। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ग्राइंड किए हुए चावल निकालने के बाद सभी सामग्रियों को इसमें डाल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कटा हुआ प्याज डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब कटा हुआ हरी मिर्च डाल देंगे, अब मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और हरा धनिया डाल देंगे। 2 चम्मच के करीब सूजी डाल देंगे। अब सभी सामग्रियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं चम्मच की सहायता से इसे मिक्स कर रही हूँ। मुझे तो चम्मच से अच्छा हाथों से ही मिक्स करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से हाथ धो ली हूँ। अब इसे हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। सभी सामग्रियाँ अच्छे से मिक्स हो जाए वैसे ही हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे अच्छे से मसल मसल कर इसे गूंद लेना है। सभी सामग्रियाँ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तो ढक्कन लगाकर 10 मिनट रख दी हूँ। 10 मिनट हो गया है। अब इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें सूजी डाले हैं इसलिए 10 से 15 मिनट इसे रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। मेंदू वड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैं अप्पे का सांचा ले ली हूँ। इस सांचे में सबसे पहले हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो इसे तवे में भी बना सकते हैं या डीप फ्राई कर सकते हैं। मैं बहुत ही कम तेल में इसे बना रही हूँ, इसीलिए मैं इसे अप्पे पैन में बना रही हूँ। अब इस डो से नींबू के साइज़ का छोटा सा लोई ले लूँगी। अब इस लोई को गोल गोल शेप बना लूँगी और चपटा कर दूँगी। चपटा करने के बाद बीच में होल कर देंगे, क्योंकि हम मेंदू वड़ा का शेप दे रहे हैं इसीलिए बीच में होल कर रहे हैं। अगर आपके हाथ में ये चिपक जाए तो थोड़ा सा तेल लेकर इसे शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर मेंदू वड़ा का शेप दे रही हूँ, आप गोल शेप भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब इसे अप्पे सांचा में रख देंगे और सभी को इसी तरह बना लेंगे। राइस मेंदू वड़ा बहुत ही टेस्टी बनता है। घर में जो सामान है उसी सामान से ये आसानी से बन जाता है और सभी को ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि ये बहुत ही क्रंची बनता है। ये देखिए, मैं सभी को बहुत ही अच्छे से बना ली हूँ। अब इसे गैस ऑन करके अप्पे पैन को चढ़ा दी हूँ। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल को ऊपर से डाल दूँगी। इस बड़े को लो फ्लेम में ही हमें सेकना है। हाई फ्लेम में करने से ये मेंदू वड़ा जल सकता है। लो फ्लेम में करने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है। अब थोड़ी देर होने के बाद इसे हम पलट देंगे। अब सभी मेंदू वड़ा को ऐसे ही पलट लेना है और पलट पलट कर इसे सेक लेना है।
ऐसे ही लाइट ब्राउन होने तक इसे सभी मेंदू वड़ा को बना लेंगे। राइस मेंदू वड़ा बनाते समय बस ध्यान में ये रखना है कि लो फ्लेम में ही इसे पलट पलट के हमें सेकते रहना है। सभी को लाइट ब्राउन होने तक और क्रिस्प होते तक सेक लेना है और जो सिक चुका है उसे प्लेट में अलग से निकाल लेंगे और जो बाकी बचा है उसे भी पलट पलट कर इसे सेक लेंगे। जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए तब तक इसे पलट पलट कर सेकते रहना है और जो सिक जाता है उसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे। ये एक तरफ क्रिस्प हो गया है, अब इसे पलट कर दूसरे तरफ क्रिस्प होने तक सेक लेंगे। सभी को ऐसे ही पलट पलट कर सेक लेना है। सभी बड़े बहुत ही क्रिस्प हो गए हैं, अब इसे मैं एक प्लेट में निकालूंगी। बहुत ही क्रिस्पी मेंदू वड़ा बनकर तैयार है, अब इसे हम एक प्लेट में सर्व कर देते हैं। मैं इसे इमली की चटनी और सॉस के साथ सर्व करी हूँ, आप किसी भी चटनी के साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।